राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने जन स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ भारत यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक और साइकिलिस्ट टीम द्वारा विशाल साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। पूरे देश में लगभग 18,000 किलोमीटर का सफर तय कर रैली द्वारा लोगों को खान पीन से संबंधित जानकारी दी जा रही है, जिसके चलते स्वस्थ भारत यात्रा मथुरा से होती हुई आज गोवर्धन पहुंची, जहां गोवर्धन व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने साइकिल रैली को स्वस्थ भारत यात्रा लिखित ध्वज दिखाकर गोवर्धन से जागरूकता हेतु रवाना किया। वहीं गोवर्धन कस्बे के प्रतिष्ठित बाबूलाल महाविद्यालय के सभागार में खाद्य विभाग द्वारा आहार विषयक पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र छात्राओं को मथुरा अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन चंदन पांडे द्वारा सही खानपान के संबंध में जानकारी दी गई। वहीं अभिहित अधिकारी चंदन पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्वस्थ भारत यात्रा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान श्री बाबूलाल महाविद्यालय के डायरेक्टर नंद किशोर शर्मा ने स्वस्थ भारत यात्रा के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि स्वस्थ भारत यात्रा भारत सरकार द्वारा निकाली जा रही है, जिसके तहत आज महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को खान पान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, स्वस्थ भारत यात्रा जो पूरे देश में निकली हुई है। समय मथुरा जिले में बाबूलाल महाविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह से हमारे छात्र छात्राओं ने स्वीकार करते हुए, उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें जो अपने जीवन में इनका कम से कम उपयोग करना है, नमक चीनी और तेल जिसको कहते हैं। हमारे बॉडी को तीनों ही चीज़ ज़्यादा मात्रा में लेने पर नुकसान करती हैं, तीनों चीज़ बहुत भयंकर बीमारियां बनाती हैं। इस सरकार की पहल के द्वारा, इस यात्रा के माध्यम से बच्चों में इसको लेके जागरूकता आएगी, वो अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख पाएंगे। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये जागरूकता जो भारत सरकार ने पहल की है, चलाई है, ये इसको लोग अपने जहन में उतारें और इस यात्रा से हम सभी के स्वास्थ्य पर एक अच्छा असर पड़े, जिससे हम स्वस्थ रह सकें, एक अच्छे देश का निर्माण कर सकें।